हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल। सो एवरीवन, आज के टॉप 10 करंट अफेयर में आपका स्वागत है। एवरीवन, यहाँ पे जो टॉपिक होते हैं करंट अफेयर के, वो क्वेश्चंस के फॉर्मेट में रहते हैं ताकि हमें एक अच्छी प्रैक्टिस हो, साथ ही साथ हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड एक अच्छी एनालिसिस को भी साथ साथ कर सकें। ओके, सो 10 क्वेश्चन में से जो पहला है, किस देश ने पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? ओके, सो वह कंट्री है रूस। रूस का यह तीसरा जो है यह सफल परीक्षण सफल हुआ है, पहला 2014 में, दूसरा 2020 में और तीसरा 2024 में। एवरीवन, इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका किस उद्देश्य के साथ इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है? जो प्रोटॉन लॉन्चर होते हैं, प्रोटॉन लॉन्चर को सफलता देने की बात यहां पर कही गई है। ओके, प्रोटॉन लॉन्चर में सफलता मिलेगा इससे। कंट्री का नाम रशिया है, उद्देश्य क्या है, और जो बाकी 2024 के अलावा जो दो चरण थे, पहला 2014, दूसरा 2020, इसको प्लीज आप माइंड रखना। रूस ने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रूस का तीसरा सफल परीक्षण था। यह परीक्षण 1961 में पूरी गगारिन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष उड़ान की याद में कॉस्मोनॉट दिवस के साथ हुआ था। अंगारा A5 जो है वो 54.5 मीटर 773 टन का तीन चरणों वाला यह रॉकेट है, जो कि 24.5 टन वजन अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है। याद रखना, यह तीन स्टेज काया रॉकेट है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बजर्नी वेनेडिक्टस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? जिसमें बहुत ज्यादा हम लोग को जानने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सो वह देश है आइसलैंड। ओके, आइसलैंड क्लियर। नेक्स्ट है, हर साल कौन सा दिन विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वह डेट है 15 अप्रैल। ओके, 15 अप्रैल। हर 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है, जो कि कला के वैश्विक प्रभाव और लियोनार्डो द चिस्ती के विरासत का जश्न मनाता है। क्लियर। नेक्स्ट है, खबरों में रहा MSC एरीज जहाज किस देश से संबंधित है? एवरीवन, आपको पता होगा कि इसराइल और ईरान के मध्य में कंफ्लिक्ट चल रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब दो कंट्री के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उनमें बहुत सारे रणनीतिक तौर से भी, सांस्कृतिक तौर से भी बहुत सारे चीज़ों का आपस में हनन भी होता है, उस पर दावा भी किए जाते हैं, ठीक है। हमारे लिए क्वेश्चंस क्यों इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो MSC एरिस जहाज है ना, ये जहाज है इसराइल का। ओके, ये जहाज है इसराइल का। इस पे इसको जो है वह ईरान के द्वारा कंट्रोल किया गया है अभी। ओके, हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस पे जो सूचना है न्यूज के माध्यम से, 12 जो हैं, 12 भारतीय चालक भी हैं, जो कि इस जहाज पर उस वक्त उपस्थित थे जो जब इसराइल की ये जो जहाज है उस पर ईरान ने इस पे कंट्रोल कर लिया। ओके, तो कुछ अपने इनके प्रोटोकॉल होते हैं, जिसके माध्यम से, उस प्रोटोकॉल के माध्यम से जो भारतीय चालक हैं वो बिल्कुल स्वदेश की तरफ लौटेंगे। ओके, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि भारतीय चालक वहां पर फंसे हुए थे। उस जहाज का नाम था MSC एरिस और ये जहाज है इसराइल की, और उस पर कंट्रोल अभी किया गया है ईरान के द्वारा। क्यों? क्योंकि दोनों कंट्रोल के मध्य में अभी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। ओके, ईरान की नौसेना ने होमूर्ज जलडमरू मध्य पास इसराइली जहाज MSC एरिस को पकड़ लिया है, जिसमें 17 भारतीय, अभी मैंने 12 बताया था, यहाँ पे 17 भारतीय जो चालक दल हैं वो सवार थे। देखिए, 9 भारतीय सदस्यों की यहाँ पर संख्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या मामला था, क्यों नहीं, उस जहाज का नाम याद रखना, MSC एरिस। ये जो जहाज है वह इसराइल की है, कंट्रोल किया गया है तत्काल रूप से भी ईरान के द्वारा। कुछ कंट्री टू कंट्री प्रोटोकॉल होते हैं, उस प्रोटोकॉल के तहत जो भारतीय चालक हैं वह देश की तरफ लौटेंगे।
नेक्स्ट है, 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब किसने जीता है? ठीक है, 12वीं बार किसने जीता है? सो रश्मि कुमारी ये कैरम चैंपियन है। ठीक है, तो प्लीज इसको भी आप माइंड रखना। सो 3 बार की विश्व चैंपियन रश्मि कुमारी ने 91वीं राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप में नागा ज्योति को 25-20 से हराकर अपना 12वां राष्ट्रीय महिला एकल खिताब हासिल किया है। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा राज्य वृक्षारोपण के लिए 500 से अधिक भूमि पार्सल्स के साथ ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को लागू करने में अग्रणी है? स्वर जो राज्य है वह है मध्य प्रदेश। ओके, सो मध्य प्रदेश ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को लागू करने में अग्रणी है। 10,000 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक स्वीकृत निम्नलिखित वन भूमि 954 हेक्टेयर है, इसके बाद तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात और असम। सो एग्जाम के लिए इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है कि पहला तो मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर तेलंगाना, ठीक है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ और चौथे पे गुजरात, उसके बाद असम। क्लियर। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश मेनिनजाइटिस के लिए वैक्सीन तैयार करने वाला पहला देश बन गया है? एवरीवन पहले जान लेते हैं कि मेनिनजाइटिस है ये होता क्या है। जो हमारे मस्तिष्क है और जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उस पर एक तरल पदार्थ होता है जो कि मस्तिष्क और हड्डी को ढकने लगता है। ठीक है, अगर इस पे सही समय पर ध्यान न दिया जाए मेनिनजाइटिस पे तो ये मौत का भी कारण बन जाता है। तो याद रखना कि मेनिनजाइटिस होता क्या है और वैक्सीन तैयार करने वाला जो पहला देश बना है उसका नाम है नाइजीरिया। ओके, जो हमारी मस्तिष्क है और हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है उस पर एक तरल लिक्विड होती है जो कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी ढक जाती है। ओके, ये फैलता कैसे है? तो यह कवक क्लियर, बैक्टीरिया क्लियर, इन माध्यमों से भी फैलता है। अगर इनको सही समय से इनका निदान न किया जाए, ध्यान न दिया जाए तो ये मौत के भी कारण बन जाते हैं। ओके, सो नाइजीरिया में मेनिनजाइटिस के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में सबसे आगे WHO द्वारा समर्पित अभूतपूर्व MEN-5CV वैक्सीन पेश की गई है जो कि एक ही बार में 5 उपभेदों को लक्षित करती है। यह पिछले टीकों से आगे निकल गया है जो अफ्रीका के प्रचलित बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस के रूप में महत्वपूर्ण है जो गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है। नाइजीरिया सहित अफ्रीका के मेनिनजाइटिस में मामलों में वृद्धि हो रही है जिसकी पिछले वर्षों 50% की वृद्धि दर्ज की गई है। नाइजीरिया का अग्रणी कदम दुनिया भर में व्यापक रूप से अपनाने के लिए एक मिसाल कायम किया है जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। याद रखना जो वैक्सीन है मेन 5 सीबी ये वैक्सीन नाइजीरिया के द्वारा तैयार किया गया है। किसके लिए? मेनिनजाइटिस के लिए। मेनिनजाइटिस क्या होता है हम उस पर बात कर लिया। ओके, नेक्स्ट है, किस संगठन ने रॉकेट इंजन के लिए कार्बन कार्बन नोजल विकसित किया है? ओके, सो संस्था का नाम है इसरो। इसका स्थापना कब हुआ था? सो 15 अगस्त 1969। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष का नाम है एस सोमनाथ। सो इसरो ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित हल्के कार्बन कार्बन नोजल का अनावरण करके रॉकेट इंजन प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति की घोषणा की है। यह सफलता थ्रस्ट स्तर, विशिष्ट आवेग और थ्रस्ट टू थ्रस्ट वेट अनुपात जैसे
महत्वपूर्ण मापदंडों को बढ़ाकर पेलोड क्षमता को बढ़ावा देने का वादा करता है। ओके, तो काफी बड़ा अचीवमेंट है ये। ओके, कार्बन टू कार्बन नोजल का आविष्कार, तो प्लीज को माइंड रखना, साथ ही साथ इसरो भी आप माइंड रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा गया VH3 क्या है? गया VH3 तो एक ब्लैक होल है। ओके, यह एक ब्लैक होल है, ब्लैक होल है। ओके, सो खगोलविदों ने आकाशगंगा में सबसे विशाल ज्ञात तारकी ब्लैक होल गया VH3 की पहचान की है। गया मिशंस के डेटा के माध्यम से खोजा गया है, अपने साथी तारे के असमान डगमगाने का कारण बनता है। भू आधारित वेधशालाओं द्वारा पुष्टि की गई, इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से 33 गुना अधिक है, जो कि 1926 प्रकाश वर्ष दूर एकीला में स्थित है। ओके, तो सूर्य से 33 गुना अधिक इसका द्रव्यमान है, माइंड रखना, साथ साथ गया BH3 नाम याद रखना। सो नेक्स्ट है एवरीवन, विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे। सो हर साल 18 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। इस दिन को स्मारकों और स्थलों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन विरासत के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में विरासत को संरक्षित और संरक्षित करने के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व विरासत दिवस की जो थीम है, विरासत और जलवायु। यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है, याद रखना, विरासत और जलवायु 2024 के वर्ल्ड हेरिटेज डे का जो थीम है, विरासत और जलवायु। वर्ष 1982 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट एंड साइट ने पहली बार सांस्कृतिक विरासत, उनकी विविधता और उनके संरक्षण के लिए आवश्यक प्रयासों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का विचार रखा था। बाद में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिकी और राष्ट्र सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने 1983 में अपने 22वें आम सम्मेलन में इस प्रस्ताव को अपनाया। तब से इस दिन को पूरे विश्व में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भारत में मौजूद जो विश्व धरोहर स्थल हैं, भारत में कुल 3691 स्थल और स्मारक हैं। इनमें से 40 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के रूप में नामित किया गया है। कुल निर्दिष्ट स्थलों में अजंता की गुफाएं, ताजमहल, एलोरा की गुफाएं, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जैसे प्राकृतिक स्थलों को भी विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। ओके, सो एवरीवन, यहाँ पे टोटल हम लोग 10 टॉपिक पे 10 मुद्दों पे बात किया। अगर आपको एनालिसिस एग्जाम के रेलिवेंट लगते हैं तो प्लीज छोटा सा शॉर्ट नोट्स भी बनाना।